वक्त बीतने के साथ ही तुर्किश ड्रामा शोज़ पूरी दुनिया में ही काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। इनके टीवी शोज़ में वो सब कुछ है जिसे एक आम इंसान कनेक्शन महसूस कर सकता है। तुर्किश ड्रामा की चर्चा में जान यमन का नाम आना स्वाभाविक है। साल 2014 से ही ये एक से बढ़कर एक टीवी शोज़ बना रहे हैं और एनकेंसी कुस यानी कि डे ड्रीमर सीरीज़ के लिए उन्हें गोल्डन बटरफ्लाई अवार्ड भी मिल चुका है। और अगर आपके फेवरेट एक्टर्स की लिस्ट में जान यमन का नाम है तो आप इनकी टीवी सीरीज देखना चाहते होंगे, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें क्योंकि आज हम आपको जान यमन की सीरीज़ की लिस्ट देने जा रहे हैं। साथ ही चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियोज आपको देखने को मिलती रहे। नंबर 1, दोगुने। रोमांटिक कॉमेडी जैन को पसंद करने वाले लोगों को दोगुने ज़रूर देखना चाहिए। ये एक तुर्किश ड्रामा शो है जिसमें टोटल 81 एपिसोड्स हैं। सीरीज फेरित अरसलान और नाजली के इर्द गिर्द घूमती है, जो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और एक दूसरे से एकदम डिफरेंट होते हैं। फेरित स्ट्रिक्ट मिजाज का है और बिजनेस में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वहीं दूसरी तरफ नजली जो काफी मस्त मौला मिजाज की है। वो दोनों कई बार एक दूसरे से टकराते हैं और दोनों के बीच प्यार होने की चांसेस भी बढ़ जाती हैं। लेकिन क्या ये सच में एक दूसरे से प्यार करने लगेंगे? जानने के लिए देखिए यह प्यारा सा शो ऑन यूट्यूब। नंबर 2, एनकेंसी कुस यानी कि अर्ली बर्ड। अगर जान यमन की बेस्ट सीरीज की बात करें तो ये एनकेंसी कुस है, जिसमें बेहतरीन एक्टिंग के लिए उन्हें गोल्डन बटरफ्लाई अवार्ड भी दिया जा चुका है। सीरीज में सनम नाम की एक लड़की के इर्द गिर्द घूमती है जिसका सपना एक राइटर बनने का है, लेकिन उसके इस सपने के बीच में उसकी फैमिली खड़ी है जो चाहती है कि सनम या तो कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ ले या अरेंज मैरिज करके सेटल हो जाए। अब शादी से बचने के लिए वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करने लग जाती है जहां उसकी बहन पहले से जॉब करती थी। वो शादी से बचने के लिए यहां काम करने आई थी, लेकिन उसे कहां पता था कि इस एजेंसी में कई सारी मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। और इस ड्रामे को आप एमएक्स प्लेयर के साथ साथ यूट्यूब पे भी देख पाएंगे। नंबर 3, बे यानलिस यानी कि मिस्टर रॉन्ग। बे यानलिस की कहानी थोड़ी बहुत दोनों से मिलती है क्योंकि इसके मेन कैरेक्टर भी एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और एक दूसरे से काफी अलग है। जान यमन की ये टीवी सीरीज एग्जी और गोजगुर के इर्द गिर्द घूमती है। ओजगुर एक रेस्टोरेंट का मालिक है और उसे प्यार जैसी चीज में बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ एग्जी है जो खराब रिश्तों से तंग आ चुकी है और अब वो एक स्टेबल लाइफ पार्टनर चाहती है। जब ओजगुर को एग्जी के बारे में पता चलता है तो वो उसे रिलेशनशिप एडवाइस देना शुरू करता है। वो एग्जी को कई ऐसे तरीके बताता है जिससे वो उसे पा सके जिसे वो पाना चाहती है। वो दोनों एक दूसरे के नेबर्स भी हैं और ऐसे में आने वाला वक्त उनके लिए क्या लाएगा ये देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। और इसे आप यूट्यूब पे इंग्लिश सबटाइटल के साथ देख सकते हैं, और अगर आपको हिंदी में देखना है देन आप मेरे चैनल पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नंबर 4, गोनूल इसलेरी विच मीन्स लव अफेयर्स। जान यमन की सीरीज के लिस्ट में अगली टीवी सीरीज का नाम है गोलून इसलेरी। इस टीवी सीरीज को व्यूअर्स ने खूब पसंद किया है और आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग 6 है। लव अफेयर्स तीन बहनों के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने पिता के साथ रहती है क्योंकि उनकी माँ उन्हें छोड़ चुकी है। इस समय वो तीनों ही लड़कियाँ शादी करना चाहती हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कुछ अजीब सा होता है, यानी उनकी लाइफ काफी ज्यादा डिस्टर्ब होती है। सीरीज में आप देखेंगे कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसे बड़े बदलाव आते हैं जिसकी वजह से उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। ये सीरीज उन तीन बहनों के प्यार, तकरार, इजहार और इंतजार की कहानी है। नंबर 5, हैंगजी मिक्स सेव मिदिक विच मीन्स विच ऑफ अस डिड नॉट लव सीरीज में आपको इंडियन ड्रामे के कुछ अंश भी देखने को मिलेंगे। सीरीज मुनीर और एडले के इर्द गिर्द घूमती है जो एक दूसरे के पड़ोसी भी हैं और एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। उनके लिए सबसे अच्छी बात ये है कि उनके पेरेंट्स भी आपस में बिजनेस पार्टनर्स हैं, पर उन्हें कहां पता था कि आने वाला कल उनके लिए मुश्किलों से भरा हुआ है। एक दिन किसी छोटी सी बात को लेकर उनके पेरेंट्स में लड़ाई हो जाती है और दोनों बिजनेस पार्टनर अलग हो जाते हैं, और समय के साथ इनके रिलेशन और भी खराब हो जाते हैं कि मुनीर और एडले जितना भी कोशिश कर ले वो दोनों अपने पेरेंट्स को मिला नहीं सकते।
ऐसे कंडीशन में वो दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे कुछ कंडीशंस बन जाते हैं जिससे उनके दरमियान काफी दूरियां आ जाती है, और इसे आप इंग्लिश सबटाइटल के साथ यूट्यूब पे देख पाएंगे। नंबर 6 इनादिना अस्क व्हिच मींस लव आउट ऑफ स्पाइट। जान यमन के लिस्ट में अगली सीरीज का नाम है इनादिना अस्क, जिसे IMDb पर 5.6 रेटिंग मिली है। लव हेट गेम पसंद करने वालों के लिए ये सीरीज बिल्कुल फेवरेट है। सीरीज की शुरुआत डेफने से होती है, जो ब्लैक सी की बेटी है। डेफने एक टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करती है। कंपनी का मालिक यालेन है, जो लड़कियों से खूब फ्लर्ट करता है। सीरीज में ये दिखाया गया है कि यालेन और डेफने एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हैं। इनकी कहानी के बीच एंट्री होती है डेफने के भाई जिनार की, जो कहानी को काफी उलझा के रख देता है। असल कहानी तो तब शुरू होती है जब जिनार को यालेन के बहन से प्यार हो जाता है। अब ये लव हेट गेम क्या मोड़ लेगा, जानने के लिए देखिए ये सीरीज ऑन यूट्यूब विद इंग्लिश सबटाइटल। नंबर 7 वायला कम इल मेर। वायला कम इल मेर एक बेहतरीन तुर्किश ड्रामा शो है और इसकी कहानी काफी दमदार है। कहानी है वायला विटाल की, जो फैशन इंडस्ट्री में काम करती है। एक दिन वो अपने पिता को खोजने के लिए पलामू जाती है, जिसे वो जानती तक नहीं। यहाँ वो एक ऑनलाइन पब्लिशर के लिए क्राइम बीट पर काम करना शुरू करती है। यहाँ वॉयलेट इंस्पेक्टर डैमर से मिलती है, जो ह्यूमैनिटी पे बिल्कुल भी यकीन नहीं रखता। दूसरी तरफ वॉयलेट है, जिसके दिलों में लोगों के लिए बहुत ज्यादा काइंड है और वो लोगों के फीलिंग्स को समझती भी है। पर इस कंडीशन में वो एक दूसरे से काम करना शुरू करते हैं, पर एक ऐसा वक्त आता है जब इन दोनों को एक दूसरे के साथ काम करना पड़ता है। पर क्या वो एक दूसरे के साथ सही तरीके से काम कर पाएंगे, जानने के लिए देखिए ये बेहतरीन सीरीज, जिसे आप टेलीग्राम पर देख पाएंगे। और इसी के साथ ये लिस्ट यहीं पे एंड हो जाती है। होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एंड वीडियो अच्छी लगने पर मेक श्योर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। हम फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।